या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, चार लोग, हम दो लोग हैं, बताओ किस 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 आधार पर मुझे रोक रहे हो, किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो? ये उन्हें सांसद है, वो सांसद सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ। प्यार से बात करोगे, बैठाओगे, हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, करते तो वो चीज करो ना, फिर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ। तुम क्यों इनको आगे कर रही हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से, महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी, और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी, कहाँ कर रहे हो? ये धाराएं सब सब पे लगेंगी, और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना, मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुछ रहा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, नहीं कुछ नहीं। आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से, और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। देखिए जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है, तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है, और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है?